हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा पेपर जो 18 जनवरी 2023 को ऑनलाइन हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है, वीडियोज़ को नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, यदि आपने 2021-2022 वाले ऑनलाइन एग्जाम पेपर्स को नहीं देखा, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसको हमें पैराग्राफ को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये पैराग्राफ अगर मैं पढ़ूँगी तो और इसको समझाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत आए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पैराग्राफ को भी समझा दूँगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स अच्छे से, और इसको पूरी तरह से समझ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन शांति निकेतन एंड फॉरेस्ट हर्मिटेज। क्या चीज़ कॉमन है शांति निकेतन और फॉरेस्ट हर्मिटेज में? नंबर 1, बोथ आर कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स। दूसरा है, पुपिल्स ऑन बोथ इन बोथ आर विदाउट वर्ल्डली केयर्स। तीसरा है, टीचर्स एंड पुपिल्स साउट टू अटेन हाईएस्ट गुड इन लाइफ। और चौथा है, बोथ द टीचर्स एंड पुपिल्स बिलोंग टू द सेम कास्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टीचर्स एंड पुपिल्स साउट टू अटेन हाईएस्ट गुड इन लाइफ। जो टीचर्स और पुपिल्स हैं, जो शिष्य हैं उनके, और जो टीचर्स हैं वो हाईएस्ट अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुइज्म इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन शांति निकेतन। जो हिंदुइज्म है वो क्या है? वो एक बैकग्राउंड है ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सारे क्रियाकलापों का, इन शांति निकेतन। शांति निकेतन में वाई आर द बर्थडेज ऑफ नॉन प्रॉफिट सेलिब्रेटेड देयर। जो नॉन प्रॉफिट हैं वो वहाँ पर बर्थडे क्यों नहीं मनाते हैं? नंबर 1 है, टू अपीच द पीपल ऑफ अदर रिलीजियस। दूसरा है, दे डू नॉट हैव देयर ओन प्रॉफिट्स। तीसरा है, टैगोर हैड इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजियंस। चौथा है, द हर्मिट्स एंड देयर पुपिल्स डू नॉट वांट टू कट देमसेल्व्स ऑफ फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, दे डू नॉट हैव देयर ओन प्रॉफिट्स, क्योंकि उनके खुद के पास खुद का प्रॉफिट्स नहीं होता है, इसलिए वो अपना जो बर्थडे है वो नहीं मनाते, सेलिब्रेट वहाँ पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इन वॉट सेंस डज टैगोर से आई एम नॉट ए पैट्रियट। किस सेंस में टैगोर ये कहते हैं कि आई एम नॉट अ पैट्रियट, मैं एक देशभक्त नहीं हूँ? ये वर्ड उन्होंने किस सेंस में कहा है? नंबर 1, ही वॉज एंटी नेशनल। 2, ही डिड नॉट बिलीव इन एक्सेसिव नेशनलिज्म। 3, ही हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ हिज ओन कंट्री। 4, ही वॉन्टेड हिज कॉम्पेट्रिएट्स एमोंग द सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ही वॉन्टेड हिज कॉम्पेट्रिएट्स एमोंग द सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज। ही वॉन्टेड हिज कॉम्पेट्रिएट्स, क्योंकि वो कॉम्पेट्रिएट्स चाहते हैं अपने एमोंग द सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के सिटीजन्स के बीच में, नागरिकों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, Why does Tagore advise us to keep firm our own framework? जो टैगोर में हैं वो हमें एडवाइस क्यों देते हैं कि keep firm our own framework, कि हमें अपने खुद के कार्यों पर विश्वास रखना चाहिए। नंबर 1, we must not discard our Indianness. 2, we must try to be healthy citizens. तीसरा है, we must be loyal to the Indian constitution. 4 है, we must first try to remedy the Indian polity. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वी मस्ट नॉट डिस्कार्ड ओवर इंडियननेस, कि हमें वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये एडवाइस ले देते हैं कि वी मस्ट नॉट डिस्कार्ड ओवर इंडियननेस, कि हमें भारतीय होने को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, टैगोर कॉल्ड इंडिया द इटर्नल रैग पिकर एट अदर पीपुल्स डस्टबिन। वॉट डज द वर्ल्ड अदर पीपुल डस्ट
पीपल्स मीन हेयर. नंबर वन सिटीजन ऑफ अदर पुअर कंट्रीज, टू फॉरेन नेशनल्स, थ्री इंडियंस, फोर एनिमीज. यहाँ पर टैगोर कहते हैं इंडिया को पुकारते हैं इटर्नल रैग पिकेट पिकर एट द पीपुल्स डस्टबिन. ठीक है, तो व्हाट डज द वर्ड अदर मीन पीपुल्स मीन, यहाँ पर जो वर्ड अदर पीपुल्स है उसका मीन्स क्या निकलता है. तो यहाँ पर इसका मीन्स निकलता है फ्रेंड्स फॉरेन नेशनल्स. ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, विदेशी देशों के बारे में बोलते हैं, इसका अर्थ होगा विदेशी देश यानी कि अदर देश. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस लाइक ड्रेसिंग आवर स्केल्टन विद मैंस स्किन. यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये पूछा गया. नंबर वन सिमिल, टू मेटाफोर, थ्री आयरनी, फोर पर्सनिफिकेशन. तो फ्रेंड्स यहाँ पर है सिमिल, ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि उपमा अलंकार. लाइक का यहाँ पर यूज हुआ है, एज या लाइक का कहीं पर यूज होता है तो वहाँ पर सिमिल जो होता है फिगर ऑफ स्पीच होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, नेम द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बॉन्डेज. यहाँ पर बॉन्डेज का सैनोनिम पूछा गया है फ्रेंड्स. नंबर वन रिलेशनशिप, टू स्लेवरी, थ्री जेल, फोर किनशिप. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू स्लेवरी. इसका जो मीनिंग होगा सिमिलर मीनिंग यानी कि सैनोनिम होगा वो हो जाएगा स्लेवरी. ठीक है, यानी कि गुलामी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सर्वाइव्ड. यहाँ पर सर्वाइव्ड का यहाँ पर अपोजिट वर्ड चूज करना है हमें. नंबर वन है पेरिश्ड, टू थ्रिप्ड, थ्री पेरिस्टेड, परसिस्टेड, फोर है अवॉइडेड. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन पेरिश्ड. पेरिश्ड सर्वाइव्ड का हो जाएगा हमारा उल्टा पेरिश्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ज़्यादा टफ नहीं है पैराग्राफ, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं. कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी मैं आपको इसको. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन है, द अर्ली राइजर नंबर वन एड्स टू हिज हाउस आवर्स ऑफ वर्क, टू इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स, थ्री कॉजेज लेस डिस्टर्बेंस टू हिज नाइबर्स, फोर इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन टू अदर्स. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, एड्स टू हिज आवर्स ऑफ वर्क. क्या करते हैं जो अर्ली राइजर्स होते हैं, जो लोग जल्दी उठते हैं, वो क्या करते हैं, एड्स टू हिज आवर्स ऑफ वर्क, अपने घंटों के कार्य को ऐड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, वाई इज द वर्क डन इन द अर्ली मॉर्निंग वेल डन. क्यों जो सुबह किया हुआ कार्य है वो अच्छे से हो जाता है. वर्क डन इन द अर्ली मॉर्निंग वेल डन, जो अर्ली मॉर्निंग में हमारा कार्य करते हैं हम लोग वो अच्छे से हो जाता है. क्यों, नंबर वन इन द मॉर्निंग वन हैज एंजॉयड ए गुड स्लीप, टू देयर इज नो वन टू सुपरवाइज हिज वर्क, थ्री इट बीइंग क्वाइट ऑल अराउंड देर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, फोर बिकॉज अवर एल्डर्स हैव टोल्ड अस सो. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, देयर इज नो वन टू सुपरवाइज हिज वर्क. सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, इट बीइंग क्वाइट ऑल अराउंड. क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ उस टाइम पर चारों तरफ शांति होती है, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस वहाँ पर नहीं होता उस टाइम पर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई इज द अर्ली राइजर नॉट टेम्पटेड टू हरी ओवर हिज डे वर्क. जो अर्ली राइजर हैं वो टेम्पटेड नहीं होते हैं टू हरी ओवर हिज डे वर्क, अपने घर के अपने प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए हरी नहीं करते हैं, जल्दी नहीं करते. बिकॉज क्यों नहीं करते हैं, ही बिकम्स कॉम्प्लेसेंट अबाउट टाइम, टू ही हैज़ टू स्पेंड लेस एनर्जी डूइंग हिज वर्क, थ्री ही नीड नॉट वेस्ट हिज टाइम इन आइडियल गॉसिप, फोर है ही गेट्स एम्पल टाइम टू डू फुल जस्टिस टू ईच वन ऑफ द जॉब्स असाइनमेंट असाइंड टू हिम. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फोर, ही गेट्स एम्पल टाइम, वो सही समय पर उठ जाते हैं टू डू फुल जस्टिस टू ईच वन ऑफ द जॉब्स असाइंड टू हिम. जो भी उनका कार्य होता है उसको कर लेते हैं आराम से. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, What enables the early riser to go to bed at the proper time? जो अर्ली राइजर हैं उनको प्रॉपर टाइम पर बेड पर जाने के लिए क्यों इनेबल किया जाता है. नंबर वन बिकॉज ही बिलीव्स इन गोइंग टू बेड अर्ली, टू ही इज एबल टू फिनिश हिज वर्क इन टाइम एंड डज नॉट हैव टू कीप अवेक टू फिनिश हिज वर्क, थ्री ही मस्ट अडहियर टू हिज शेड्यूल ऑफ वर्क, फोर ही फील्स वेरी टायर्ड एंड स्लीपी. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर टू, ही इज एबल टू फिनिश हिज वर्क, क्योंकि वो योग्य होते हैं अपने कार्य को करने
के लिए टाइम पर एंड डज नॉट हैव टू कीप अवेक टू फिनिश हिज वर्क, और उनके पास कोई भी फिनिश करने के लिए कार्य नहीं होता है ताकि वो जागने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का यहाँ पर हमें साइनोनिम बताना है। नंबर 1 अम्यूजमेंट, 2 एक्साइटमेंट, 3 इंटरफेरेंस, 4 प्लेसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का हमें अपोजिट मीन पूछा है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर अपोजिट वर्ड पूछा गया है। नंबर 1 हार्मफुल, 2 सैल्यूटरी, 3 यूजफुल, 4 एफिशिएंसीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 यूजफुल। इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो यूजफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, हार्मफुल। ठीक है, कंड्यूसिव का जो उल्टा होगा वो हार्मफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ना कि थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट क्वालिटी ऑफ वर्क इज डन बाय द अर्ली राइजर इन कंपैरिजन टू द वर्क डन बाय द लेट राइजर। क्या क्वालिटी, क्या गुण है एक अर्ली राइजर के कार्यों में उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, जो लोग लेट उठते हैं और कार्य करते हैं उनकी तुलना में। नंबर 1 मेटिकुलस, 2 जस्ट सेटिस्फैक्ट्री, 3 फेयर, 4 सॉलिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फेयर। उनका जो कार्य होता है वो बिल्कुल फेयर होता है। फ्रेंड्स, अब हमारे पैडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पैडागोजी के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1 है, इट इज बिहेवियर लर्न्ड फ्रॉम ड्रिल एंड रेपिटेशन। 2 इट इज लर्न्ड ओनली बाय इमिटेटिंग पेरेंट्स एंड लीडर्स। 3 लैंग्वेज लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। 4 लैंग्वेज लर्निंग इज ए रिजल्ट ऑफ वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू रेडियो एंड अदर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, लैंग्वेज लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। जो भाषा सीखना है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, हमारे पर्यावरण पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग आर्गुमेंट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इन प्राइमरी क्लासेज एंड पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन। यहाँ पर हमें पढ़ना है उन आर्गुमेंट्स को, उन अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। किस आर्गुमेंट को पढ़ना है फ्रेंड्स, लैंग्वेज के सिद्धांतों को। लैंग्वेज टीचिंग जो है भाषा शिक्षण का जो प्राइमरी क्लासेज में भाषा शिक्षण है उसके सिद्धांतों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है ये बताना है। ऑप्शन ए है, ए लैंग्वेज टीचर शुड प्लान एक्टिविटीज डेट विल एंगेज लर्नर्स विचुअली ओरली एंड काइंस्टेक्टली। जो लैंग्वेज टीचर है उसको प्लान करनी चाहिए एक्टिविटी को लर्नर्स को विजुअली और ऑरली और काइंस्टेक्टली। एक जो हमारा एक कथन है जो वो बिल्कुल सही है, राइट है। रीजन आर है, देयर आर की लर्निंग स्टाइल्स। ये जो हैं वो की लर्निंग स्टाइल्स हैं एट दिस लेवल। इस लेवल पर यानी कि छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, ऑल्सो इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं एंड इन अचीविंग एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज, एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा आर वाला भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पिक द ऑप्शन डेट इंक्लूड्स द करेक्ट मैचेज ऑफ कॉलम ए एंड बी टू शो इफेक्टिव लैंग्वेज एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लैंग्वेज एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें कॉलम ए और कॉलम बी को शो करने के लिए मैच करना है। तो कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए है लिसनिंग टू सॉन्ग्स, दूसरा है मेकिंग स्पीचेस, तीसरा है रीडिंग द अल्फाबेट और चौथा है कन्वर्सेशन। तो पहले वाले का हो जाएगा हमारा लर्निंग टू सॉन्ग्स का हो जाएगा मीनिंग मेकिंग एंड कॉम्प्रीहेंसन। मेकिंग स्पीचेस का हो जाएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन, चंकिंग ऑफ साउंड और रीडिंग एंड अल्फाबेट। तीसरे का हो जाएगा हमारा ए बारह आर्टिकुलेशन और डिस्क्रेट साउंड्स और कन्वर्सेशन का हो जाएगा टर्म टेकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक 1 का सी है हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। पहले का बी, दूसरे का हो जाएगा डी, तीसरे का हो जाएगा ए और चौथे का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
ए गुड वर्ड स्टॉक हेल्प्स इन बिल्डिंग प्रोफिशिएंसी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स एन इफेक्टिव वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रेटजी ऑफ क्लास 1 to 3. इन क्लास 1 to 3 स्टूडेंट्स नंबर 1 वर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल कैटेगरीज, 2 वर्ड्स विद सिंपल स्पेलिंग एंड मीनिंग्स, 3 वर्ड यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द टारगेट लैंग्वेज, 4 वर्ड्स विद ओनली सिंपल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, वर्ड यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द टारगेट लैंग्वेज. लैंग्वेज को टारगेट करने के लिए जो वर्ड्स हैं उसको फ्रीक्वेंटली रूप से यूज करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. लुक एट द असेसमेंट एक्टिविटी फॉर लिसनिंग स्किल्स गिवन इन कॉलम ए एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज इन कॉलम बी. पिक द ऑप्शंस दैट गिव्स द बेस्ट मैच ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉम्पिटेंसीज फॉर द बेस्ट रिजल्ट. यहाँ पर हमें कॉलम ए में लिसनिंग स्किल्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में दिया हुआ है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी. इन्हें हमें मैच करना है, तो चलिए करते हैं. रिगार्डिंग अलाउड नंबर 1 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. रिगार्डिंग अलाउड का हो जाएगा लिसनिंग टू सेल्फ आर्टिकुलेशन. फिर है दूसरा है डिक्टेशन, तो डिक्टेशन का हो जाएगा हमारा वर्ड रिकॉग्निशन एंड स्पेलिंग रिकॉल. तीसरा है राइमिंग कॉन्टेस्ट, तो इसका हो जाएगा प्रैक्टिस साउंड पैटर्न रिकॉग्निशन. और स्टोरी टेलिंग का हो जाएगा हमारा सी वाला लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो हमारा इस तरह से हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. पिक द करेक्ट ऑप्शन अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन एज पर लिंग्विस्ट्स. असर्शन ए है ए चाइल्ड विल स्पीक द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी इट इज बॉर्न इनटू. जो एक बच्चा है वो स्पीक लैंग्वेज बोलता है, लैंग्वेज बोलना बोलेगा ऑफ द कम्युनिटी इट इज बॉर्न टू, जिस कम्युनिटी में उसने जन्म लिया है. तो कथन ए हमारा सही है. कथन आर विच लैंग्वेज द चाइल्ड विल स्पीक, जो भी भाषा बच्चा बोलेगा एंड द टिपिकल रिदम ऑफ इट्स पार्ट ऑफ न्यूट्रिंग. तो विजन आर भी हमारा सही है. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इन प्राइमरी क्लासेज वी यूज द होल क्लासरूम ऑफ क्रिएटिंग ए लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट. इन प्राइमरी क्लासेज में वी यूज द होल क्लासरूम फॉर क्रिएटिंग ए लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट. जो हमारा पूरा क्लासरूम है उसमें हम लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, भाषा का जो पर्यावरण है वो क्रिएट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं. द पर्पस इज टू मेक लर्नर्स एक्सपीरियंसेज. जो पर्पस है वो क्या है, बच्चों को लर्नर्स को क्या एक्सपीरियंस देने का है. नंबर 1 द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज क्लासरूम, 2 ए टोटल इमर्सन इन द टारगेट लैंग्वेज, 3 द डिस्प्ले ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटीज यू नो, 4 द वैरायटी एंड ग्लोरी ऑफ द लैंग्वेज. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए टोटल इमर्सन इन द टारगेट लैंग्वेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल एंड पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन. नंबर ए है ए लैंग्वेज टीचर शुड क्रिएट एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स टू लिसन रीड राइट एंड स्पेल द टारगेट लैंग्वेज. जो एक टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, उसको क्रिएट करना चाहिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए टू लिसन, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की और स्पेलिंग को पढ़ने की, स्पेल द टारगेट लैंग्वेज, लैंग्वेज को टारगेट करने की. तो कथन ए हमारा सही है. रीजन आर है लैंग्वेज टीचिंग इज़ नॉट ए ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज. जो लैंग्वेज टीचिंग है वो कोई ट्रांसफ़र नहीं है लैंग्वेज का, बट फैसिलिटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ फॉर स्टूडेंट्स, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटेशन है ऑफ एक्सपीरियंटल लर्निंग का. तो ये वाला भी हमारा सही है. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज द बेस्ट वे टू आइदर पिक अप ए और लर्नर ए लर्न ए लैंग्वेज. इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है, बेस्ट वे है, तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है लैंग्वेज को सीखने का. नंबर 1 लिसन टू इट एक्सटेंसिवली एंड स्पीक इट, 2 रीड एक्सटेंसिवली एंड राइट ओकेजनली, 3 है राइट इन द लैंग्वेज एंड एज मच एज पॉसिबल, 4 है रीड एंड राइट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिसन टू एक्सटेंसिवली एंड स्पीक इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक आर द बेस्ट लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज एट द बिगनिंग. शुरुआत में जो बच्चे हैं उनके लिए
कौन सी लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज बेस्ट हो सकती हैं? ए है रिपीटिव एक्सप्रेशंस लाइक रीडिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शन ETC, लर्निंग रिकॉग्नाइज अल्फ़ाबेट। बी सी है लिसनिंग टू स्टोरीज एंड राइम। और चौथा है डी टॉकिंग विद द टीचर एंड क्लासमेट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ए वाला सही हो जाएगा, रिपीटिव एक्सप्रेशंस लाइक ग्रीटिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शन ETC, और सी वाला सही हो जाएगा लिसनिंग टू स्टोरीज एंड रिदम्स राइम्स, और तीसरा हो जाएगा टॉकिंग विद द टीचर एंड क्लासमेट्स। तो ए सी और डी हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन लैंग्वेज लर्निंग साइट वर्ड्स यूज इन प्राइमरी क्लासरूम्स हेल्प्स लर्नर्स टू इन नंबर वन स्पेलिंग करेक्टली, टू मेमोराइजिंग वर्ड्स, थ्री वर्ड रिकॉग्निशन, फोर मेकिंग मीनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री वर्ड रिकॉग्निशन। इन लैंग्वेज लर्निंग भाषा के अधिगम में जो साइट वर्ड्स हैं यूज इन प्राइमरी क्लासरूम में जो यूज होते हैं हेल्प लर्नर्स, वो सहायता करते हैं बच्चों की किस में, वर्ड रिकॉग्निशन यानी कि वर्ड्स को पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। द आइटम्स इन कॉलम ए एंड बी आर मैच डिफरेंटली इन द ऑप्शन गिवन, पिक द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द बेस्ट मैचेस ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटीज एंड लैंग्वेज आउटकम्स। लैंग्वेज एक्टिविटीज और लैंग्वेज आउटकम्स के में जो है एक्टिविटीज को मैच करना है, तो कॉलम ए और कॉलम बी में जो दिया हुआ है, तो कॉलम ए है नंबर वन है सिंगिंग इन इंग्लिश, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेस रिदम एंड इंटोनेशन। फिर दूसरा है एलोक्शन, तो इसका हो जाएगा दूसरे वाले का हमारा ए वाला डिक्शन इन स्पीकिंग। तीसरा है पोएट्री राइटिंग, तो तीसरे का हो जाएगा हमारा बी क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और चौथा है टॉकिंग कन्वर्सेशन, तो इसका हो जाएगा हमारा डी टर्न टेकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लुक एट द असेसमेंट एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग स्किल्स गिवन इन कॉलम ए लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंसीज, इन कॉलम बी पिक द ऑप्शन दैट गिव द बेस्ट मैच ऑफ एक्टिविटीज टू कॉम्पिटेंसी फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है फ्रेंड्स, एक में स्पीकिंग स्किल्स की एक्टिविटीज दी हुई हैं और दूसरे में लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज दिए हुए हैं, तो हमें इसको मैच करना है। पहला है स्टोरी टेलिंग, तो स्टोरी टेलिंग का हो जाएगा हमारा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंसन। दूसरा है क्रॉसवर्ड पुजल, तो इसका हो जाएगा हमारा वोकेबलरी एंड स्पेलिंग। तीसरा है रेसिटेशन, तो इसका रेसिटेशन का हो जाएगा स्ट्रेस रिदम एंड इंटोनेशन। और डिक्टेशन का हो जाएगा लिसनिंग वर्ड रिकॉग्निशन एंड स्पेलिंग रिकॉल। तो इस तरह से हमारा एक पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल इन्हेंस क्रिएटिव एक्सप्रेशन अमंग द लर्नर्स, कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो एक्सप्रेशंस को क्रिएटिव एक्सप्रेशन है अमंग द चिल्ड्रन लर्नर्स सीखने वालों के बीच में। नंबर वन आस्किंग लर्नर्स टू टॉक टू द प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन इन स्कूल, टू आस्किंग लर्नर्स टू एवोक फिक्शनल इमेजिनेटिव वर्ड्स, थ्री रिगार्डिंग ए ह्यूमरस स्टोरी ऑफ एन अनफेमिलियर राइटर, फोर इनकरेजिंग लर्नर्स टू वॉच हॉरर मूवीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर टू आस्किंग लर्नर्स टू एवोक फिक्शनल इमेजिनेटिव वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज ए एज अ ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजी इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। एज अ टीचर एक टीचर के रूप में आप निम्न में से कौन सी ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजी को यूज करेंगे क्लासरूम भाषा के कक्षा में। नंबर वन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज, टू आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड ड्रिल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लर्न्ड बाय देम, थ्री राइट द ग्रामेटिकल एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन द बोर्ड, फोर डू ए कम्युनिकेशन एक्टिविटी अराउंड द स्पेसिफिक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू टॉट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर डू ए कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन एक्टिविटी करेंगे अराउंड द स्पेसिफिक ग्रामर ग्रामर के अराउंड एंड पॉइंट यू टॉट, जो भी आपने पॉइंट किया है उसको सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।